वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं 8 और 6 अगस्त का रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें डिटो वही क्वेश्चन नहीं है, ओके, बट द पैटर्न इज सेम। ओके, जो पैटर्न था आपका एसएससी सीजीएल में, जिस तरह का पैटर्न से चल रहा था, वैसा ही पैटर्न का इसमें क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया पैटर्न सर ऐसा ऐसा था, और जो रीजनिंग के हमारे फैकल्टी उन्हें बताया गया था, तो रीजनिंग के फैकल्टी इस पे वर्क कर रहे थे। ओके, तो इन्होंने कुछ बनाया था, तो वो मैं आज आपको बता रहा हूं। इसके बाद उन्होंने और भी कुछ बनाया हुआ है, जो इसके बाद अपलोड मैं कर दूंगा, आज रात में कर दूंगा या कल में सुबह तक में कर दूंगा। ओके, तो जितना उन्होंने बनाया था मैं उसको आपके पास लेकर हाजिर हूं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला देखिए, फाइंड ऑड आउट। ओके, तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में है, देखिए इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन तो मैं बना नहीं सकता इतना। ओके, सर बना सकते थे, लेकिन सर ने बोला कि डायरेक्ट आप जल्दी से बच्चों को बता दीजिए कि एग्जाम है उनका, तो उनसे उसको हेल्प मिल जाए कि किस तरह का पैटर्न चल रहा है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है EFHOPQBCEIJL। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हैं EF, देखिए EFGH होता है ना, देखिए EFGH। ओके, आप लोग एक दोस्तों एक काम कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जिससे आपको एक पैटर्न पता चले। हम लोग डायरेक्ट बताते जा रहे हैं इसका आंसर, क्योंकि हमने तो ये देख लिया कि कैसे करना है इसे, तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, देन इसको ऑन करके आप देखिए कि आंसर सही हुआ कि नहीं, मैच कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं EFGH होता है, मींस थर्ड वाला हमारा गायब है। ओके, एक सीरीज वाइज चलते हैं। EFGH होता है जी, यहां पे OPQ, देखिए यहां OPQ ये देख रहे हैं, यहां पे कोई गायब कुछ नहीं हो रहा है, OPQ सीरीज वाइज है। यहां देखिए BC क्या है, BCDE होना चाहिए, D यहां गायब है, IJK यहां पे गायब है, मतलब ऑड कौन सा है, मतलब ऑप्शन बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट का क्या होगा, OPQ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी। ओके, आप पैटर्न समझ गए होंगे, देखिए सब चल रहा है, देखिए BCDE होता तो थर्ड वाला हाल में गायब है, बट ये सीरीज वाइज है, सब सीरीज वाइज नहीं है। ओके, होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका जनवरी, जून, जुलाई एंड अगस्त। दोस्तों इसमें कॉमन क्या है आप समझ सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है ऐसा कि जिसको हमने सर ने बताया, जिसे सर ने प्रीवियस ईयर से कॉपी किया है। ओके, कॉपी किया इन द सेंस कि उसका पैटर्न को कॉपी नहीं किया है, उसका वर्ड को कॉपी किया है, जो पैटर्न एसएससी सीजीएल में है वो पैटर्न लाने के लिए। ओके, ठीक है, देखिए यहां पे देखिए जनवरी 31 का होता है, 31 डेज का, जून 30 का होता है, ये भी 31, मींस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, देखिए 1340, 1442, 1546, 1649। तो चलिए इसको यहां पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 1340, 1442, देखिए 1340, ठीक है, 1442, देन क्या था आपका दोस्तों 1546 एंड 1649। देखिए दोस्तों इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है दोस्तों 27, इसको सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है दोस्तों 28, इसको सब्ट्रैक्ट करते दोस्तों क्या आता है 31, इसको सब्ट्रैक्ट करते दोस्तों तो क्या आता है हमारे पास 33। दोस्तों देखिए इसमें कॉमन क्या है, ऑड क्या है, देखिए सब यहां आप जितना देख सकते हैं ये ऑड है, एक लौता इवन यही है। ओके, तो इसमें केवल आपको देखना था कि इवन कौन सा है, तो माइनस करके आपको देखना था। ओके, होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए GVQM, ठीक है दोस्तों। तो इसको पता करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिएगा क्या क्या आपका, देखिए GVQM, ठीक है। देखिए G का क्या होता है, 7 नंबर अल्फाबेट में सीरीज में, ये 22, ये कितना 17 और M कितना 13, आपको साफ पता चला ये इवन है। ओके तो V will द राइट आंसर, ओके ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। पैटर्न आप देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है पैटर्न, बट जो आया है वही है। हम लोग इसीलिए, हमारे रीजनिंग वाले सर इसलिए इतना लेट कर रहे थे कि वो पूरा अच्छा से कलेक्ट कर रहे थे सभी बच्चों से डाटा कि क्या 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 था, आप उन्हें पैटर्न बताइए। ओके और दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो आप हमें, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे वो नंबर आपको कंटिन्यूस दिख रहा है। ओके तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ओके और जिनका भी एग्जाम हो वो तुरंत जैसे एग्जाम देके उस व्हाट्सएप पे आप अपना शेयर कर सकते हैं, आपको जितना क्वेश्चन याद है, जो भी क्वेश्चन याद है आपको, रीजनिंग का पैटर्न याद है, आप पैटर्न बता दीजिए सर एक ऐसा पैटर्न था, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो नंबर पे पहले आप अपना नाम मैसेज कीजिएगा, हम देन आपको सेव कर लेंगे। ओके और देखिए दोस्तों, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन आता होगा आप क्या कीजिएगा, उसको हमें तुरंत मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ओके कि ताकि जो दूसरे दोस्त हैं आपके उनका हेल्प हो सके जिनका एग्जाम होने वाला है आगे। ओके तो व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको मिल रहा होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 2 2 4 2 है। देखिए क्वेश्चन हम पहले बता दे रहे हैं, देखिए जो भी क्वेश्चन यहां दिया गया ये सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, बट द पैटर्न जो आया था वो ऐसा ही था, उसमें हो सकता है 5 5 5 5 हो, ओके बट पैटर्न सेम था। ओके प्लीज इस पे आप लोग गौर फरमाइएगा, पैटर्न सेम था, क्वेश्चन सेम नहीं है। ओके प्लीज, ठीक है। देखिए पहला है 2 2 2 2, देखिए कितना 2 है 4 है, तो यहां कितना होगा, ऑब्वियस बात है 5 है, तो 5 विल द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे ख्याल से इसको लिख के बताने की आपकी जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। ओके 4 4 तो 5 4, 4 2 कितना है 4 है, यहां पे 5 है, आप समझ गए होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हंगर फूड, तो डिजीज क्या होगा, देखिए हंगर फूड, देखिए आप जब भूखे रहते हो तो आपको फूड की जरूरत पड़ती है ना, तो जब आपको डिजीज होती है तो आपको क्या चीज की जरूरत पड़ती होगी दोस्तों, मेडिसिन की। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, मेडिसिन। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, मेडिसिन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BDJK। ओके पहले इसको लिख लेते हैं दोस्तों, BDJK, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या है इसी में आपका है, LNQU। नेक्स्ट देखते हैं, ओके उसके बाद आपको ACFJ है, ठीक है। ओके तो हम ऐसा करते हैं, हम ये पहले दो का सीरीज को पता कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम निकाल लेंगे। ओके तो पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये बी और डी में कितना गैप है, एक का, डी और जी में गैप कितना का है, दो का, और जी और के में गैप कितना है, तीन का, ठीक है। देखते हैं आपको समझ में आ गया, देखिए बस के बाद का जो लेटर है वो शुरू हो जाता है एल, सेम इसमें भी एक का है, दो का है, देखिए तीन का है, तो ऑब्वियस बात है ए है, ठीक है। जे के बाद क्या आता है, के, के से स्टार्ट होगा। आप इसका पूरा आंसर अब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आप समझ गए पैटर्न, आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद प्लीज आपका जब भी एग्जाम होगा प्लीज आप हमें अपडेट कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आपको अगर दोस्तों याद होगा, चाहे वो वन वर्ड का हो, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे कुछ भी पैटर्न भी आपको हल्का सा भी याद हो तो आप बोल दीजिए सर ऐसा पैटर्न का था, प्लीज बस इतना भी आप हमको हेल्प कर दीजिएगा। ओके और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर अपना नाम लिख के हमें मैसेज करेंगे। ओके हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपका देखिए 09628481, ठीक है, 09 और 62 का रिलेशन देखना, देन 81 का रिलेशन देखेंगे किसके साथ था, तो इसका ऑप्शन नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा टाइप का था, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, 962 चलिए, तो आप देख सकते हैं, आते हैं पहला क्या था, चलिए ओके सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसी चलते रुक गए थे, ओके चलिए देख लेते, तो क्वेश्चन क्या है, 962 इधर 81, देखिए दोस्तों 09 है, इसको अगर 0 प्लस 9 करते तो कितना आता है, 9 आता है, और 6 और 2 करते तो क्या आता है, 2, 6 प्लस 2, वैसे ही देखिए यहां पे क्या है, 8 और 1, इसको करते तो 9 आता है, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए दोस्तों, 8, ओके तो ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, ऑप्शन में आप देखिएगा जो भी जोड़ के आपको 8 आता है, ओके 242 हो सकता है, ओके या 224 हो सकता है, तो आपको बस पैटर्न याद रखना है, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, आपको पैटर्न याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आया है, ऐसा पैटर्न आया, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओके नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्टर कांस्टेबल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है इंस्पेक्टर कांस्टेबल ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्टर है कांस्टेबल तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका होगा ऑब्वियस बात है टीचर, है ना, ऑप्शन में आप देखिएगा टीचर, ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन को आप पहले क्या कीजिएगा, प्लीज आप पॉज करके देख लीजिएगा, आप खुद से ट्राई करके देखिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, ओके देन आप इसका आंसर देखिएगा, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा लेटर बताना आपको दोस्तों, ठीक ना, सीक्वेंस के हिसाब से आपको लेटर बताना है इसमें, ठीक है अच्छा देखिए हम आपको यहां पे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए यहां आप देख सकते हैं ए बी, फिर आप देख रहे हैं ए बी, ओके या तो आप इसको चार, देखिए कितना टोटल नंबर है, 4 4 4 4 16 टोटल है, ओके तो आप 4 4 के रेशियो में काट के भी आप जैसे आप देखते हैं वैसे देख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे आपको सॉल्व कर ही देता हूं, ओके तो ये क्वेश्चन है ए डैश बी, ठीक है वो याद, ए डैश बी डैश ए बी बी, ओके फिर डैश ए बी फिर डैश ए फिर डैश बी बी ए, ओके दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या अंतर चल रहा है, ओके क्या एक चीज देखिए, यहां पे सीरीज जो चल रहा है वो आपका चल रहा है ए बी बी ए का, ओके देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, बी यहां पे ए यहां पे ए यहां पे बी यहां पे ए, ओके तो आप देखते सीरीज कैसे चल रहा है, समझ में आपको आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए बी ए डैश सी ए बी डैश डी ए डैश सी डैश ई डैश बी सी डी ई डैश ए बी, अच्छा दोस्तों हम ऐसा करते हैं आप ये दो क्वेश्चन आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, ओके मैं इसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रीजनिंग का इसका पार्ट टू, तो उसमें मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, फिलहाल आप इसको ट्राई खुद से करें, ओके आप इसको ट्राई करिए और आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा, और दोस्तों व्हाट्सएप पे जरूर ऐड हो जाइएगा, ओके और दोस्तों जो भी जिनका भी जब भी एग्जाम हो जैसे आप निकले आपको जो क्वेश्चन कुछ भी आपको उसके बारे में पता है आप हमको तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ओके दोस्तों और जब हमें भेजिएगा रिक्वेस्ट तो उसमें अपना नाम आप जोर लिखकर भेजिएगा, ओके जिससे हमें सेव करने में सुविधा होगा, ओके तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए रमेश वाक 10 मीटर वेस्ट, तो इसको हमें फिगर के साथ साथ में करते चलते हैं, ओके तो रमेश वेस्ट में कितना गया 10 मीटर, ठीक है देन आपका देखिए क्या है, देन ही टर्न्स लेफ्ट,
फिर वो लेफ्ट टर्न किया, तो देखिए लेफ्ट ये हो गया दोस्तों, ठीक है, तो लेफ्ट कितना टर्न किया दोस्तों, टेन, ओके, लेफ्ट में किया टर्न टेन, ओके, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर, ओके, तो राइट में फिर जाके 5 मीटर, तो इसके राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका राइट हो गया आपका 5, ठीक है, क्योंकि हम लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ की साउथ की साइड में, तो ऑब्वियस बात है हमारा उल्टा उसका राइट होगा, ओके, हमारा लेफ्ट वो राइट होगा, ओके, चलिए तो फिर चलते हैं, उसका क्या बोल रहा है, अगेन आफ्टर टर्निंग राइट ही वॉक्स 15 मीटर, चलिए तो 15 मीटर अगेन राइट में, तो 15 मीटर अगेन राइट में चलेंगे, तो 15 यहां 15, ओके, देन फिर क्या बोल रहा है देखते हैं, इन विच इन द लास्ट ही टर्न राइट, देन इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ गोइंग, अच्छा ही इज गोइंग नाउ, ओके, तो ये बोलना चाहता है कि फिर वो राइट टर्न किया, ओके, ये राइट टर्न करने के बाद अब ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये डायरेक्शन किसका हो गया, ईस्ट का, तो आंसर क्या होगा, ईस्ट, ओके, तो होप दोस्तों आपको समझ में आएगा, आज हमारा इतना ही सेशन था, इतना ही क्वेश्चन था, ओके, ये पार्ट वन था, इसके बाद और पार्ट निकलेगा, ओके, तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों इसके बाद जस्ट कुछ देर बाद ही हम लोग मैथ का भी निकालने वाले, मैथ और इंग्लिश का जो भी बचा हुआ, कुछ कुछ एरर बहुत सारे दोस्त लोग बोले कि सर एरर का बता दीजिए सर क्वेश्चन करा के, तो एरर प्लस जो मैथ का जो आ रहा है क्वेश्चन, ओके, उस पे फुल्ली बेस्ड सेम पैटर्न वैसा ही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, कुछ देर बाद वो अपलोड होगा, ओके, तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा कि जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ओके, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, थैंक यू।